हम देख रहे हैं वीकली मार्केट रिव्यू। आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या होगा, वो अप होंगे कि डाउन, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूँ आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। पहले तो सभी लोगों को ठाकुर कैपिटल की तरफ से दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रहा है, मगर बैंकिंग के जो शेयर्स हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है चार्ट्स पे। अगर अभी हम देखें तो अगर हम कहें परफॉर्मर्स कौन कौन से होंगे, तो मोस्ट ऑफ एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, HDFC और ICICI बैंक, ये ऐसा लगता है चार्ट्स पे कि ये नेक्स्ट वीक में ये ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देंगे अगर हमने इसमें पोजिशन बनाई तो, अगर हमने बैंकिंग में अगर पोजिशन बनाई तो, मतलब नेक्स्ट वीक आने वाला जो भी टाइम है वो बैंकिंग का होगा। और जो भी बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया था 25,000 का, वो 25,000 का हाई अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया 31 अगस्त का, और निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो एक चांस है कि अभी बैंक निफ्टी भी उस हाई को ब्रेक करे। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर उस हाई को ब्रेक करेगा, सबसे ज़्यादा जो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा वो HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक और एक्सिस बैंक होंगे। मोस्ट ऑफ जो प्राइवेट बैंक है वहीं होंगे, उनका वेटेज ज़्यादा है। अगर हम आपको थोड़ा सा भी अपडेट कर पा रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।